बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने फजल करम शुक्र और उदी रहमता दे नाल अज दा ब्लॉग करने शुरू ते उम्मीद करदे तुसी वी सारे खैरियत नाल होवोगे इंशाल्लाह ताला। ते जिन्हां दोस्तां ने हालां तक साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता वी साडा चैनल सबसक्राइब कर लिओ और वीडियो नूं माशाल्लाह माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह जिहड़ा ना अज ईद उल फितर है। पहले तो मेरे वेखण वाले जिन्हें भी भरा ने सारियां नूं मेरी तरफों ईद उल फितर मुबारक। दूसरे नंबर पर ईद अज होने वाली है 30 टाइम हो चुका इस टाइम तकरीबन 7 दा उठिया वा सुता हूँ ही तो 7:45 बजे जड़ा ना ईद की नमाज होनी है और जड़ा ना बदल चौवां पासे जड़ा ना बदल ही बदल है और इस साइड पर जड़ा ना वो इन्ना जहा बदल गजदा भी है पिया और लिशकदा भी है पिया। तो फिलहाल तो जल्दी के नाल जड़ा ना वो हुने रेडी हालां मैं अपनी शेव भी आप करनी है खुद करनी है और जल्दी जल्दी जड़ा ना टाइम बहुत थोड़ा शेव करनी है रेडी होना में ते क्योंकि नमाज पढ़नी एक पौना घंटा जड़ा ना वो बकाया। तो चलो जल्दी जल्दी जाके ना नमाज रेडी हो नमाज वास्ते बाकी गल जड़ा ना भरावान बाद चल कर ले लो ना इधर से ले लो वो नहीं लाभ दी बे हाँ जी। अच्छा जी असी आज जिस तरह के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा ना तुहानू पता है कि ईद उल फितर है और सुबह ईद की नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ के जड़ा ना वो बिल्कुल फारग हाँ और अस अज प्लान बनाया कि थोड़ा बहुत जड़ा ना वो इंजॉय करके आइए। तो इंजॉय कितने कर चले हाँ असी जनाब चले हाँ एक छोटे जे टूर तो ना ही लॉन्ग है और ना ही शॉर्ट है। तो चलो चलने और तुहानू भी नाल वहां कि अच्छे चलने जा रहे हैं करतारपुर वास्ते फिर कि चलो अज ईद और थोड़ा जरा ना वो इंजॉय वगैरह हो जाएगा। तो दो गड्डिया इस टाइम साढ़े पिछे ने दोवें पिछे जड़ा ना वो बंदे जी तिना गड्डिया से हाँ और छे जने जड़ा ना असं इस टाइम जा रहे हैं करतारपुर। मैं वहाँ मेरे नाल बिल्ला भाई ने उस बाद पिछे अली शाह और वो ताहर भाई है और फौजी आजम है और वो जड़ा ना कमर है जड़ा ना कुदरती बस अल्लाह के आसरे से निकल आए हैं और ईद का दिन लेकिन ये कोई कन्फर्म नहीं है कि अज करतारपुर खुला भी है अंदर एंट्री भी होनी है या नहीं होनी है। लेकिन चलो बहरहाल क्योंकि उत्थे राबता वगैरह किसी नाल नहीं है साडा तो चैक कर लेने ना होएगा तो चलो इंजॉय वगैरह करके आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद है दो चार जड़ा है ना वो पता लगा दे कि पिछली से भी खुला सी और होर भी यकीन जड़ा ना वो खुला होएगा। ही पहुंच गया कसूर फाटक से और इतों हम अं निकला नारोवाल आले पासे नू
ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲਿਆਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਟਾਇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਅਣਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬੜੀ ਅੱਖੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਜੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਦ ਈਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਓਕੇ ਆਹੋ ਦਸ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਲਾਈ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਬਲੈਕ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਣਾ ਕੀ ਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਡਈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੰਦਾ ਨੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਣਾ ਕੀ ਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਡਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਸ 500 ਜੀ ਬਸ ਸਾਜੀਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣੀ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਰਕ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਬਲੈਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਣਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਣਕਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੰਘਾ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੇਸਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਪੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਇਹਦੇ
जनाब टिकट ले ली ने आ गई टिकट। चंगा यार गर्मी बड़ी लगती है एसी चलाओ मैं बाल सारे करने गुलाम बारी खोल यार अच्छा खराब हो जाती है नहीं तू बना यार कोई नी गल भी नहीं कर मैं इसे गल तो ब्याह नहीं कराया लेडीज अगे जानी लो जी पहुंच गया चली करवाई पठान दे गुरुद्वारा साहब का बिल बना लेकिन कुछ उत्थे भी कुछ सारे यार दोस्त है बस मैं मैसेज उन्होंने वास्ते लेना चाहना कि यार अगर तुम पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के बारे जानना चाहते हो तो इतने सारे बेच कर करो सू फिर महसूस करो जिस तरह अभी बैठे मैं उन्होंने दसो थोड़ा जाके भी पाकिस्तान दसो जी तुम तुम आए हो पाकिस्तान दसन गए नहीं नहीं थोड़ा को अपने यानी कि बहुत अच्छे फर्स्ट टाइम बने लेकिन लेकिन मैं बहुत अच्छा यानी कि पसंद किया इस चीज़ में क्रिएटर्स हर जगह तो होंगे जो लोग कोई अच्छा काम ही होता है उन भी जो लोग कहते कुछ लोग होंगे जो कहते नहीं यह गलत हो गया लेकिन मैं जो महसूस किया क्योंकि असं अगर पिछू बैकअप देखा जाए तो सारे एक ही आ रहे थे अगों आ तो कुछ साढ़े बच्चे लोग ओहजे पै गए जिन्हें सब दूर कर दिता है एक बहुत अच्छा मनसूबा ही जिसकी वजह से असं दोबारा मेरे ख्याल इन शाला अच्छे वेरी सून हमारे फिर इकट्ठे हो जाए कल्चर साढ़ा 50% या 70% एक जैसा है फैमिलियां भी आनी जानी मैं बहुत ज्यादा लोग इतने देखते हैं मुतमिन इतने कोई ऐसा किसी का पाकिस्तानी आवाम भी मुतमिन जो इतने आते हैं तो उन्होंने कभी कोई बुरा भला तो नहीं किया
माइंड में सोचते हैं कि ये हमारी जान या माल को नुकसान होगा उधर जाने में, रिक्शा कुछ भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने पूरी सिक्योरिटी एक प्लेटफॉर्म अच्छा दिया हुआ है, सारी सर्विसेज दी हुई है, बस सर्विस है, खाने का है, पानी का, यानी कि जो इंसान को नॉर्मल लाइफ में चाहिए होता है कहीं फॉर एग्जाम्पल हम जो हमारी इबादतगाह है मक्का मुकर्रमा हम उधर जाते हैं तो हमें हर चीज़ मैसर की जाती है, हमें मिलती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर भी जा चुका हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें कुछ हमारे भाई भी हैं जो कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, नई रास्ता ओपन करना चाहिए था। अगर हमारा ही रास्ता मक्का और मदीना में जाने के लिए बंद कर दिया जाए तो जो हम पे फील होगा, जो हम फील करेंगे, जो हम बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम जंग कर लेंगे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन मक्का मदीना छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। यही इनके लिए है, यही उनके लिए है कि उनकी ये इबादतगाह है, जैसा हमारा मक्का मुकर्रमा है उनकी भी ये इबादतगाह है। और किसी भी मजहब में ये नहीं है कि किसी को अपनी इबादत के लिए उनकी इबादतगाहें बंद कर दी जाए और रोक दिया जाए। हाँ लिहाजा कुछ हैं ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ना तो मुसलमान को ख़त्म कर सकते हैं, ना सिखों को ख़त्म कर सकते हैं, ना किसी और मजहब के लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा मैसेज एक हिंदू के लिए है जो कहते हैं कि हम मस्जिद तबाह कर देंगे, मुसलमान को ख़त्म कर देंगे, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल। ये कभी भी आप मुमकिन नहीं है कि आप ऐसा कर सकते। यार फोटो बनी है।